फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को फ्रेंड्स ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग बाइक इसको मेंटेन ज़रूरी होती है। अगर आपका स्पार्क प्लग ये साफ़ करना है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पार्क प्लग कैसे साफ़ करना है। आपको अगर नया स्पार्क प्लग लगाना है तो कैसे लगाना है। मैंने ये स्पार्क प्लग लाया है बजाज का, मुझे ये 200 रुपीज़ का पड़ा है और तो मुझे 200 रुपीज़ के पड़े मुझे एक्चुअली ये लगाना है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साथ ही इसमें बताऊंगा कि अगर आपको स्पार्क प्लग साफ़ करना होगा तो वो कैसे करना होगा। तो फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग बहुत ज़रूरी है बाइक की माइलेज के लिए भी और बाइक जब स्टार्ट होती है। अभी कभार आपने देखा होगा कि बाइक 5-6 बार जब हम स्टार्ट करते हैं तब जाके स्टार्ट होती है, तो इसका रीज़न ये होता है जो हमारे स्पार्क प्लग होते हैं उनमें कार्बन होता है वो ज़्यादा चढ़ता है, ब्लैक जैसी परत होती है वो ज़्यादा चढ़ती है, तब उससे हमें प्रॉब्लम होती है बाइक स्टार्ट करने में। तो फ्रेंड्स, वो साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे साफ़ करना है और नया स्पार्क प्लग हमें लगाना होगा तो वो कैसे लगाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये रिमूव करना होगा, इसको आप पुश कर दीजिए, ये ऐसे रिमूव हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, जो बजाज के टूल किट के साथ आता है, तो फ्रेंड्स उसके साथ ही आता है। आपके पास भी ऐसा ही होगा अगर आपके पास बजाज बाइक है और कोई बाइक है, क्योंकि सब बाइक ये प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे डाल दीजिए इसमें। अब एक काम कर दीजिए, आप इसको इसमें डाल दीजिए और इसको इस साइड से पुश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पुश करके करा है, ये निकल गया है, निकल रहा है। फ्रेंड्स, आप इसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आप इसको फिर हाथ से भी निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये भी निकल रहा है। फ्रेंड्स, जो स्पार्क प्लग है फ्रेंड्स, आप इसको इससे इसके साथ साफ कर सकते हो। ये सैंड पेपर है, आप इसे रगड़ सकते हो, आप इसको रगड़ के साफ कर सकते हो। तक आप इसको साफ करिए जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, ये साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा साफ हो गया है। अब मेक श्योर आप अच्छे से साफ करिए ये। तो फ्रेंड्स, आप अंदर से भी इसको रगड़ के आप इसको साफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसमें अपना स्पार्क प्लग लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसमें नया स्पार्क प्लग लगा दूंगा। की हालत ख़राब है, तो इस पर जो ब्लैक कलर का जो परत सी चढ़ी है वो चढ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको साफ भी कर सकते हो। मैंने 2-3 बार साफ करा है, फिर लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको साफ भी कर सकते हो। जो सैंड पेपर होता है आप उसको रगड़ सकते हो, इस पर रगड़ सकते हो और अंदर से भी रगड़ सकते हो। मेक श्योर कि ये साफ पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं डेमो दिखाता हूँ आपको कि कैसे साफ़ करना है। आपका स्पार्क प्लग ही आपका बताता है कि आपका जो इंजन है वो कितना स्मूथ है, कितना अच्छा चलता है, कि सारा कुछ स्पार्क प्लग से पता चलता है हमें। तो स्पार्क प्लग डेफिनेटली हमें मदद करता है माइलेज में, बाइक स्टार्ट करने में। फ्रेंड्स, जब ये अंदर डालेंगे आप, फिर आप इसे आप Thank you.
बंद कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेक श्योर कि अच्छे से बंद हो। ओके फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से बंद कर दिया, ये बंद हो गया है। अब हम वापस लगाएंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स, ये बंद हो गया यहाँ पे।